My friends, it's good to see you today. Shall we together see what God promises us today? मेरे मित्रों, आज आपके साथ मुलाकात करना बहुत अच्छी बात है. आइए देखते हैं परमेश्वर आज हमारे लिए क्या वादा किए हैं. We read in Isaiah 30:18, the Lord longs to be gracious to you. हम इशाया 30:18 में ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने की बहुत ही चाहत रखते हैं. Yes, truly God is longing to show His graciousness to you. जी हाँ, सच में परमेश्वर अपने अनुग्रह आप पर प्रकट करने के लिए बेकरार हैं. Today you might be in high positions. शायद आज आप बहुत ही ऊंचा पद में हैं. It might be lonely up there. और शायद ऊपर आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं. You might be facing injustice. शायद आप अन्याय का सामना कर रहे हैं. You might be battling against those who are betraying you. शायद आप उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं जो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं. Your heart must be broken about it. शायद इसके लिए आपका दिल बहुत ही टूट गया होगा. You might be facing so many battles there all alone. शायद आप अकेले ही बहुत सारी लड़ाई का सामना कर रहे हैं. Searching around for help but nobody able to come forward and help you. शायद आप मदद की तलाश में हैं लेकिन कोई भी आके आपको मदद करने के लिए सामर्थ्य नहीं है. You might be cornered saying what can I do in this situation. शायद आप बहुत ही विषम स्थिति में पड़ गए हैं और आप कह रहे हैं इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ. But in the following verse, in verse 19, we read, you will weep no longer. लेकिन आगे की वचन 19 में हम पढ़ते हैं, तुम फिर कभी ना रोओगे. Because God is longing to be gracious to you. क्योंकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने के लिए बेताब हैं. Longing to show compassion towards you. आपके ऊपर तरस खाने के लिए बेकरार हैं. He is thinking about you. वो आपके लिए सोच रहे हैं. And he can help you, my friends. मेरे मित्रों, वो आपकी मदद कर सकते हैं. Allow him. आप उन्हें अनुमति दें. Allow him at this moment. इस क्षण आप उन्हें अनुमति दें. He'll come in with all his compassion. वो अपने पूरी तरस के साथ आपके पास आ जाएंगे. Lift you up out of this sorrow. आपके इस दुख से आपको ऊपर उठाएंगे. And show you a way. और आपको एक मार्ग दिखलाएंगे. When Moses in the Bible, a man who was a leader to lakhs of people of Israelites. जब बाइबल में मूसा नाम के एक व्यक्ति जो लाखों इजरायलियों का एक बहुत बड़ा अगुवा थे. He was leading them. They came to a place in front of the Red Sea. उन्होंने इजरायलियों का अगुवाई कर रहे थे और वो लोग लाल समुद्र के सामने एक स्थान में आ गए. And behind them they saw their enemies chasing them to kill them and destroy them. वो पीछे मुड़ के देखे कि उनके शत्रु उनको तबाह करने के लिए उन्हें खदेड़ रहे हैं. They were cornered. वो बड़ा विषम स्थिति में थे. They had no way. उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था. Moses cried out to the Lord. मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दिया. The Lord said in Exodus 14:15. परमेश्वर निर्गमन 14 उसका 15 में ऐसा कहा. Moses, why are you crying to me? मूसा, तू मेरे पास क्यों रो रहा है? Get up and tell the Israelites to move on. तो उठ और इसराइलियों से कह कि आगे बढ़ जाए. Raise up the staff that is in your hand. तेरे हाथ में जो लाठी है उसको तू उठा. And lead. और अगुवाई कर. And I will split and divide this Red Sea, this great sea before you. और तेरे सामने इस लाल समुंदर, इस महान समुंदर को मैं दो भाग में बांट दूंगा. And I will make you walk in the middle of it. और इसके बीचों बीच तुझे चलने में मदद करूंगा. Where there is no way, the power of God comes and creates a new way. जहां कोई मार्ग नहीं होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां आकर आपके लिए नई मार्ग का सृजन करता है. That is the power of God. वही परमेश्वर की सामर्थ्य है. And today he is longing to show that graciousness towards you. वो अपना अनुग्रह आप पर दर्शाने के लिए आज बेकरार हैं. Shall we receive his help, my मेरे मित्रों, उनकी मदद आज हम स्वीकार कर लें. Give your life to him and say, Lord, this life is yours. अपना जीवन उनके हाथ में सौंप कर कहे, हे परमेश्वर, ये जीवन आपका है. Show me your way, Lord. हे परमेश्वर, अपने मार्ग मुझे दिखला. Take over our life, Lord. मेरा जीवन को आप थाम लें. Be the Lord of our life. हमारा जीवन का प्रभु बन जाएं. You are our leader. आप हमारे अगुवे हैं. We are not lonely, Lord. हम अकेला नहीं है प्रभु. We can walk with you. हम आपके साथ चल सकते हैं. Because you show us the way even though we are a leader in this world. हालांकि इस जगत में हम अगुवे हैं लेकिन आप हमें मार्ग दिखला सकते हैं. Thank you, Lord, for your guidance. धन्यवाद प्रभु आपकी अगुवाई के लिए. You are splitting the sea open before them, Lord.
आप उनके सामने समुद्र को दो भाग में बांट रहे हैं। You are creating a new way where they can walk in it. आप उनके लिए नया मार्ग सृष्टि कर रहे हैं जिसके ऊपर वो चल सकें। You will lead them into that land of blessing. आप उनको उस आशीष के स्थान पर अगुवाई करेंगे। You will truly, Lord, give them a path towards your blessing. सचमुच प्रभु अपनी आशीष के लिए आप उनको एक मार्ग दिखलाएंगे। Thank you for your rescuing them, Lord. धन्यवाद आप उनको आजाद कर रहे हैं प्रभु। Thank you, Lord, for your graciousness and your compassion. धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह और आपके तरस के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. My friends, the Lord has been gracious towards you even now. मेरे मित्रों परमेश्वर अभी भी आपके ऊपर बहुत मेहरबान हैं। You will see it in action in your life. अपने जीवन में आप इसको क्रियाशील देखेंगे। Enjoy Him. उनका आनंद लें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Welcome. I'm so excited to see you. ஏனா புதுசா ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். உங்களோட ஷேர் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். As it says in the Bible, 1 Corinthians 5:17, the new creation has come. The new is here. I'm starting a YouTube channel called Samuel Dinakaran. So in the channel la புது சாங்ஸ் அண்ட் புது கண்டென்ட் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஹிந்தி இன் தெலுங்கு இன் மலையாளம் ஹோப்ஃபுல்லி இன் இங்கிலீஷ் தமிழ் இதில் எல்லாம் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ரிலீஸ் நியூ சாங்ஸ் ஸோ ஸ்டே வித் அஸ் இன் திஸ் சேனல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்ல மறந்துடாதீங்க அவங்ககிட்ட இந்த வீடியோவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் எக்ஸைட்டட் டு கோ ஆன் திஸ் ஜேர்னி வித் யூ இப்போது ஒரு சாங் சூப்பர் சாங் பண்ணியிருக்கோம் அதை வெளியிட போகிறோம் So get ready for that song. Even now I'm going to produce another new song. So I'm so happy to leave this with you. Okay. Jacob Palama. Great. You're ready. Let's go. Oh, and one more thing. Please don't forget to hit that bell icon in that channel so that you receive all the updates of any new content and any new song we upload. Okay. Tell your friends also. Sorry. Let's go. Come on.